रिसेंटली हम अपने टॉप फंड हाउसेस का रिव्यू लेकर आए हैं, जिनमें हमने उन फंड हाउसेस के बारे में बताया और उनके टॉप 3 फंड्स को रिव्यू भी किया। अपने इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और पॉपुलर फंड हाउस का रिव्यू लेकर आए हैं, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इंडिया का 6th लार्जेस्ट फंड हाउस है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एज ऑफ 31st August 2021 इस फंड हाउस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM लगभग 2,67,000 करोड़ रुपए के थे। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO मिस्टर संदीप सिक्का हैं, और जब ये CEO बने थे ये इंडिया के यंगेस्ट CEO थे ऑफ एन AMC। आज की वीडियो में हम आपको निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के टॉप 3 फंड हाउसेस के बारे में बताएंगे जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इन फंड्स के फीचर्स के बारे में, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे, पास्ट परफॉर्मेंसेस पर भी एक नज़र डालेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड्स आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डू टेक अ सेकंड टू सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर इस प्रोफेशन में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो हमने सिर्फ आप ही के लिए अपना नया चैनल लॉन्च किया है, जेड फंडशाला। इस चैनल पर मेरे कोलीग अक्षित गिरोत्रा रेगुलर वीडियोज लेकर आते हैं ऑन हाउ टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इफ इन्वेस्टमेंट्स एज अ प्रोफेशन इज योर पैशन। चैनल का लिंक हमने नीचे शेयर किया है। कमिंग बैक टू दिस चैनल, हमारे क्लाइंट्स अब अपने इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप जेड फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। इस ऐप पर अपने इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है। ऑलरेडी 12,000 से ज़्यादा कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप के थ्रू लग रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में मदद चाहते हो, प्लीज़ कनेक्ट विद अस ओवर व्हाट्सएप ऑन 7217746224 और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हम निपॉन इंडिया के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के हमारे लिस्ट पर टॉप 3 रिकमेंडेड फंड्स हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया फार्मा फंड। क्योंकि तीनों ही फंड्स अलग अलग कैटेगरीज के हैं, तो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में। ये एक मिड कैप फंड है जो कि अपने एसेट्स प्राइमरीली मिड कैप इक्विटी सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं। मिड कैप सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि मार्केट कैप के हिसाब से 101st से लेकर 250th रैंक तक आती हों। ये कंपनी जनरली वो होती हैं जिन्होंने पास में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है और मार्केट शेयर गेन किया है, साथ ही इनके पास अभी भी बहुत अच्छी ग्रोथ और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के मेजॉरिटी एसेट्स मिड कैप ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स दोनों में ही एलोकेटेड हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31st August 2021 ₹11,322 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.94% का। तो चलिए इस फंड के पास रिटर्न्स पर एक नज़र डालते हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने बेंचमार्क के सिमिलर रिटर्न्स ही दिए हैं या फिर कुछ टाइम फ्रेम्स में बेंचमार्क को आउटपरफॉर्म भी किया है। फंड ने एक साल में 75.65% के रिटर्न्स दिए हैं और 5 और 10 साल में 17.89% और 17.50% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। फंड का इंसेप्शन अक्टूबर 1995 में हुआ था और तब से फंड ने 22.70% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। फंड की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो फंड ओवरऑल तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में टोटल 78 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 31.67% की है। फंड के एसेट्स टोटल 16 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हैं और टॉप 3 सेक्टर्स यानी कि फाइनेंशियल्स, FMCG और सर्विसेज में टोटल 43.15% एसेट्स एलोकेटेड हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो वो भी काफ़ी फेयर लगते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो 4.30 का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस फंड का 31.48 का। ये तो था निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में। दूसरा टॉप फंड हमारे लिस्ट में जो है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड्स अपने एसेट्स को स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 251st से लेकर 500 रैंक में आती हैं। ये कंपनी जनरली नई और छोटी होती हैं, पर इनमें ग्रोथ के चांसेस भी सबसे ज़्यादा ही होते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का AUM एज ऑफ 31st August 2021 16,633 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.90% का। फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो फंड के मेजॉरिटी एसेट्स स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। तो चलिए इस फंड के भी पास रिटर्न्स पर एक नज़र डालते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को आउटपरफॉर्म ही किया है। फंड ने एक साल में 96.19% के रिटर्न्स दिए और 5 और 10 साल में 22.53% और 24.45% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। फंड का इंसेप्शन सितंबर 2010 में हुआ था और तब से इस फंड ने 20.89% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। फंड की कॉन्सेंट्रेशन को देखें
तो फर्स्ट इंप्रेशन से लगता है कि ये ओवर डाइवर्सिफाइड है, पर क्योंकि स्मॉल कैप्स ने काफ़ी रन अप दिखाया है पिछले 15 महीनों में, तो इतनी डाइवर्सिफिकेशन ठीक भी है। इससे लिक्विडिटी रिस्क थोड़ा कंट्रोल्ड हो जाता है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में टोटल 130 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 23.69% है। फंड के एसेट्स टोटल 15 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हैं और टॉप 3 सेक्टर्स यानी कि केमिकल्स, इंजीनियरिंग और FMCG में टोटल 39.61% एसेट्स एलोकेटेड हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो ये फंड काफ़ी बढ़िया लगता है। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 3.43 का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.76 का। ये तो था निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। तीसरा टॉप फंड निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स का हमारी लिस्ट पर है निपॉन इंडिया फार्मा फंड। ये एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि अपने एसेट्स प्राइमरीली किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाते हैं। ऐसे फंड्स किसी भी सेक्टर के हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव बना के उसी सेक्टर की कंपनीज में अपने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो अगर निपॉन इंडिया फार्मा फंड की बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन से सेक्टर में अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा। ये फंड अपने एसेट्स को प्रेडोमिनेंटली फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनीज में एलोकेट करते हैं। निपॉन इंडिया फार्मा फंड का AUM एज ऑफ 31st August 2021 5,667 करोड़ रुपीज़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.98% का। फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो फंड के इक्विटी पोर्टफोलियो के मेजॉरिटी एसेट्स लार्ज कैप ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स दोनों में ही एलोकेटेड हैं। चलिए इस फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नज़र डालते हैं। निपॉन इंडिया फार्मा फंड ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं हर टाइम फ्रेम में, अपने बेंचमार्क का आउट परफॉर्म भी किया है। फंड ने एक साल में 44.18% के रिटर्न्स दिए हैं और 5 और 10 साल में 16.86% और 19.12% के एवरेज रिटर्न्स हर साल के दिए हैं। फंड का इंसेप्शन जून 2004 में हुआ था और तब से फंड ने 22.05% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। फंड की कॉन्सेंट्रेशन देखें तो ये काफ़ी बढ़िया लगती है। निपॉन इंडिया फार्मा फंड में टोटल 23 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 69.94% है। वैल्यूएशन पर नज़र डालें तो प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इस फंड का। लास्ट ईयर मार्च अप्रैल के क्रैश के बाद से फार्मा और IT सेक्टर ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जिस वजह से इन दोनों ही सेक्टर्स की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा हैं। पर एक्सपेक्टेड है कि ये दोनों ही सेक्टर्स आने वाले कुछ सालों में अच्छी अर्निंग्स डिलीवर करेंगे, तो हाई वैल्यूएशन जस्टिफाइड भी लगती हैं। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 5.13 का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.45 का। ये तो था निपॉन इंडिया फार्मा फंड के बारे में। अब बात करते हैं इन तीनों फंड्स पर एप्लीकेबल एग्जिट लोड्स की। इन तीनों ही फंड्स में अगर आप परचेज के 30 दिनों के अंदर अंदर अपने यूनिट्स बेच देते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 30 दिनों के बाद बेचे हुए यूनिट्स पर किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं है। फाइनली बात करते हैं इन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि ये तीनों ही फंड्स इक्विटीज़ में अपना पैसा लगाते हैं तो इन पर जो टैक्स रेट लगेगा वो इक्विटीज़ की तरह ही लगेगा। अगर आप यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को परचेज के 1 साल के बाद बेचते हैं तो गेन्स पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, ये 10% भी तभी लगता है अगर आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन 1 financial year इज मोर देन 1 lakh rupees। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, क्या इनमें से कोई फंड आपके लिए सही है? इन तीनों ही फंड्स की रिस्क और रिटर्न एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं। सबसे पहले अगर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करें तो ये फंड अपने एसेट्स को प्रिडोमिनेटली मिड साइज कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। इसके कारण इस फंड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर मिड कैप कंपनीज सरप्राइज भी कर सकती हैं क्योंकि इनके पास ग्रोथ और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। इकोनॉमिक अपटर्न्स में बहुत तेज़ी से लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म भी कर सकती हैं ऐसी कंपनीज़। मिड कैप फंड्स कैन गिव अ गुड बूस्ट टू योर ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स। अगर स्पेसिफिकली निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करें तो जैसा हमने देखा कि फंड ने बेंचमार्क के सिमिलरली रिटर्न्स दिए हैं, पर फंड की पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन और वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़िया लग रही हैं। तो अगर आप एक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने सोच रहे हैं तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। क्योंकि ये फंड अपने एसेट्स प्रिडोमिनेटली छोटी कंपनीज के शेयर्स में निवेश करते हैं तो इसमें रिस्क और भी बढ़ जाता है, क्योंकि छोटी कंपनीज के फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन ऐसी कंपनी सरप्राइज भी कर सकती हैं और मार्केट अपस्विंग्स में बहुत तेज़ी से लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म भी कर सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं जिसमें स्मॉल कैप एलोकेशन बढ़ाने का स्कोप है तो ये फंड कंसिडर किया जा सकता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के ये जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सूटेबल है या नहीं, तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224। लास्ट में बात करते हैं निपॉन इंडिया फार्मा फंड की। क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड है तो इसके इन्वेस्टमेंट्स प्रेडोमिनेंटली सिंगल सेक्टर में ही होते हैं, जो इस केस में फार्मा है। हमारा मानना है कि फार्मा सेक्टर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और अगले कुछ सालों में ये सेक्टर काफ़ी इनोवेशन देख सकता है। 5-year+ व्यू से ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हाउएवर प्लीज़ याद रखिए कि एक सेक्टोरल फंड में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके सेक्टर परफॉर्म नहीं करता या कोई सेक्टर रिलेटेड एडवर्स इवेंट होता है
तो ये फंड नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकता है। इसलिए एक सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की सलाह जरूर ले लीजिए। आप हमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड वी विल श्योरली असिस्ट यू। अगर आप इन तीनों ही फंड्स में से किसी में भी इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि क्योंकि ये तीनों ही फंड्स हाई रिस्क कैटेगरी के हैं और करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए हम आपको SIP मेथड के जरिए ही इन्वेस्ट करने को सजेस्ट करेंगे एंड वुड नॉट रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट थ्रू लमसम मेथड। आप इन म्यूचुअल फंड्स में या किसी भी और ओपन एंडेड स्कीम में हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे ऐप पर आपको डेली SIP का भी ऑप्शन मिलता है इन 15 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम 3 लीडिंग फंड हाउसेज ऑफ इंडिया। डेली SIP 100 रुपये प्रतिदिन से स्टार्ट हो जाती हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ अब आप अपने गोल्ड के ट्रांजैक्शंस भी हमारे ऐप के थ्रू ही कर सकते हैं। अब आप हमारे ऐप से 24-कैरेट डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपये से। तो अभी हमारा ऐप जेड फंड डाउनलोड करें और अपने ट्रांजैक्शंस शुरू करें। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिजिटल गोल्ड पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी करी है जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपके इन फंड्स को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग zfunds।